हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। क्या नाम है? ऑर्गेनाइजिंग। अब हिंदी की किताब में इसका नाम संगठन लिखा हुआ है। संगठित करने की बात है क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो हमारा प्रबंधन है उसमें कौन कौन से फंक्शंस इंपॉर्टेंट है उनकी बात करते हैं। तो एक तरह का पहला था नियोजन, ठीक है, प्लानिंग करना, ठीक है, जो प्लानिंग है उसी को नियोजन बोल दिया। तो नियोजन से समझ में आ रहा है कि हाँ प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन संगठन से समझ में नहीं आता। संगठन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा लग ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, ऑर्गेनाइजिंग नहीं आता। तो हमारी किताब में संगठन लिखा हुआ है इसलिए हम लोग संगठन लिख ले रहे हैं, लेकिन संगठित करना वाला सेंस में बात होगी, ठीक है, जब भी ऑर्गेनाइजिंग लिखा जाएगा। और कई जगह पर मैंने ऑर्गेनाइजिंग ही लिख दिया, उसको इंग्लिश में ही लिख दिया, ठीक, तो इसमें कोई समस्या नहीं रहेगी। इंट्रोडक्टरी वीडियो है पहला, इसको समझते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए उद्देश्य क्या क्या है हमारे इस चैप्टर को पढ़ने के। जो संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग है इसकी क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है, प्रक्रिया क्या होती है ऑर्गेनाइजिंग की, और इसका महत्व क्या है। ऐसे ही कार्यात्मक संगठन, ठीक है, अलग अलग तरह के संगठन रहते हैं, कुछ फंक्शनल होते हैं कुछ डिविजनल होते हैं। तो फंक्शनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, कार्यात्मक संगठन। उनका क्या मतलब होता है, उनके क्या गुण होते हैं और उनके क्या दोष हैं। इसी तरह से जो प्रभागीय हैं डिविजनल, प्रभागीय संगठनों का क्या अर्थ है, उनके क्या गुण हैं और उनका क्या दोष है, इसको भी समझेंगे, ठीक। अच्छा, फिर क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, इनका अर्थ क्या है, इनके गुण है, इनके दोष क्या है, इनको भी देख लेंगे। और फिर औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच इनका जो भेद है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा हुआ है, दो चीज़ें हैं, एक तो अनौपचारिक और औपचारिक के बीच में जो भेद है संगठन के बीच में उसको समझेंगे। साथ में ही अलग चीज़ है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है इसको समझेंगे, ठीक है। तो ये अलग बात है, इसी में समझ लीजिए, अधिकार अंतरण बोलते हैं डेलीगेशन को, ठीक है ये, और साथ में विकेंद्रीकरण बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन को। तो इनका महत्व और इनके अंतर की बात है ये समझेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है कि हम लोगों को क्या क्या समझना है इस चैप्टर में। अब एक बहुत ये बहुत ही महान इंसान है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें, अजीम प्रेमजी साहब, विप्रो नाम की कंपनी उसके फाउंडर थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करती है। और ये इन्होंने अपने खुद की पर्सनल वेल्थ से करीब 25,000 करोड़ रुपए जो है ना, इतना देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खर्च किया था, मतलब दे चुके, दान कर चुके हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा दानी इंसान अगर कोई कहा जा सकता है तो अजीम प्रेमजी साहब को कहा जा सकता है, और इन्हीं की कंपनी थी विप्रो। तो उसके बारे में थोड़ी चीज हम लोग समझते हैं। विप्रो क्या है कि वैश्विक स्तर पर, अब तो काफी बड़ी कंपनी हो गई है, जब इन लोगों को पूरे ग्लोबल लेवल पर एक बड़ी कंपनी बनने की कोशिश करना था तो इन्होंने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, और उसमें इनको समझ में आया कि कस्टमर ओरिएंटेड इनको होना पड़ेगा, कंज्यूमर जो भी इनका ग्राहक है उसकी तरफ ज्यादा रुझान होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते क्या हिंदी में, ग्राहकोन्मुखी, ठीक है, कस्टमर ओरिएंटेड, ये होने का इन लोगों ने डिसाइड किया। अब कंपनी तो पहले अलग तरह से चल रही थी, तो जब इनको वैश्विक स्तर पर बड़ा खिलाड़ी बनना था तब इन्होंने सोचा कि हमें अपना जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका ढांचा बदलना होगा। क्या सोचा कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर ढांचा बदलना होगा। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करना। तो संगठित करने का कितना बड़ा उद्देश्य और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस हो सकती है आपको इसके से सीधे समझ में आएगा। तो इन्होंने क्या सोचा कि हमें ग्राहकोन्मुखी बनना है, और अति महत्वपूर्ण समझा गया इसको, और इसी वजह से संगठन का नवीनीकरण रीस्ट्रक्चरिंग शुरू किया गया कि हमें रीस्ट्रक्चर करना है, हमें रीऑर्गेनाइज करना है, हमें पुनर्गठित करना है। क्या करना है, पुनर्गठित करना है, ठीक है, और पुनर्गठित जो है वही आपको ऑर्गेनाइजिंग वाले एंगल से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अच्छा, क्या हुआ फिर, विप्रो स्वयं ही बड़ी कंपनी थी, अलग अलग सब्सिडरीज में टूट गया, ठीक है, जो अलग अलग काम कर रहे थे। तो टेलीकम्युनिकेशन हो गया, वो अपना अलग तोड़ दिया, ऐसे क्या हो गया, इंजीनियरिंग है वो अलग कर दिया, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए अलग कर दिया, वित्तीय सेवाओं के लिए। तो अलग अलग सहायक कंपनियों में टूट गया कि अलग अलग कंपनी अलग अलग चीज को इंडिपेंडेंटली देखेगी, और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि जो भी सब्सिडरीज थी काफी बड़ी थी। ऑन एन एवरेज $300 मिलियन का इनकी वार्षिक आय थी इन कंपनीज की, जो सब्सिडरीज हैं जिन इकाइयों में टूटा, ठीक है, और उनका अपना जो भी अकाउंटिंग है, पर्सनल है, पर्सनल का मतलब बोलते हैं जो भी कर्मचारी घर हैं, जो भी कर्मचारी हैं वो, और साथ में जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब कुछ ही आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी और के ऊपर आश्रित नहीं है, ये देखा गया। तो इस वजह से क्या हो गया, ये लोग टूट गए, इन्होंने ये सारी चीजें की। इस समय समझा रहा है कि इतनी बड़ी कंपनीज में भी ऑर्गेनाइजिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जब ये एक नया उद्देश्य लेकर के आए थे, ठीक है। तो अब हम लोग जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग है, संगठन है, उसको समझना स्टार्ट करते हैं। जब योजनाएं तैयार कर ली जाती हैं, क्यों, कहां कर ली गई योजनाएं तैयार,
जो हमारा मैनेजमेंट का पहला फंक्शन था, पांच फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, क्या क्या थे प्रबंधन के, पहला आपका होता है प्लानिंग नियोजन जो हमारा पिछला चैप्टर था फोर्थ, उसके बाद से अगला आता है ऑर्गेनाइजिंग जो हमारा ये चैप्टर है, फिर क्या आता है आपका स्टाफिंग आ जाएगा, ठीक है आप नियुक्तिकरण करोगे लोगों को लेकर के आओगे, फिर आ जाएगा आपका डायरेक्टिंग आप निर्देशन का काम करोगे, और उसके बाद से आ जाएगा कि चीजें इधर उधर नहीं जा रही तो उसका आ जाएगा कंट्रोलिंग, ठीक है नियंत्रण। तो हम लोग इसी प्रोसेस में जो हमारा ये वाला पार्ट है उसको देख रहे हैं। तो प्लानिंग तो ऑलरेडी हो चुका है, प्लानिंग में क्या किया गया था, योजनाएं बनाई गई थी, तो जो योजनाएं बनाई जा चुकी है ना उन, और साथ में उसी समय उद्देश्यों को भी हम लोग एकदम अलाइन कर लेते हैं, उद्देश्यों को सुनिश्चित कर लिया जाता है, तो आगामी कदम उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों को संगठित करना। अब आपको काम करना है जमीन को उतरने के लिए तो आपको संसाधन चाहिए ना, संसाधन में क्या क्या है, सारे तरह के संसाधन हो सकते हैं, किस कौन सी साइट होनी चाहिए, कहाँ से आप सप्लायर्स लेकर के आओगे, कहाँ से आप लोग लेकर के आओगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो संसाधनों को एकत्रित करना, उस संगठन का कैसा होगा, फिर वहां पर आप स्टाफिंग में लोगों को फिट करोगे, लेकिन उसके पहले उन सारे संसाधनों को एकत्रित करना, जुगाड़ना, उसको ऐसे स्ट्रक्चर बनाना जो बहुत एफिशिएंट हो, ये आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, ठीक। अच्छा, नियोजन प्रक्रिया में जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उनको पाने हेतु गतिशील व्यावसायिक पर्यावरण, गतिशील व्यावसायिक पर्यावरण का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका पर्यावरण है बिजनेस एनवायरमेंट तो हमेशा बदलता रहता है, उसको अपनाते हुए, अगर आपने उसको नहीं अपनाया तो बहुत समस्या हो जाएगी। संगठन को ढांचाबद्ध करना एक जटिल समस्या है, क्यों, क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत सारे फैक्टर्स को, कौन से फैक्टर्स को, क्योंकि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वह बदल रहा है, और वो बदल रहा है लेकिन आपके लक्ष्य तो निर्धारित है पहले से, तो लक्ष्य फिक्स्ड है, एनवायरनमेंट बदल रहा है, और उसमें आपको उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक ढांचागत व्यवस्था तैयार करने का, जो एक आसान काम नहीं, काफी कॉम्प्लेक्स एक प्रक्रिया है, ठीक। अच्छा, नियोजन को सफल बनाने के लिए कुछ बिंदुओं को समझना आवश्यक है, कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं, आवश्यक संसाधन, जो भी आपके आवश्यक संसाधन है, ठीक है वो, तथा उनका परिनियोजन, परिनियोजन का मतलब क्या हो रहा है कि आप उनका कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हो ताकि उनका प्रभावपूर्ण उपयोग किया जा सके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, सबसे अच्छा प्रयोग किया जा सके, तो कौन से संसाधन आवश्यक है और उनका सबसे अच्छा उपयोग कैसे हो सकता है, ये आपका आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, ठीक। अच्छा, इसी में इसके अतिरिक्त कार्य जो भी है, कार्य का प्राप्त कार्यों में, इसका मतलब समझ लीजिए जो भी आपका बड़ा टास्क है, ठीक है आपको कोई चीज अचीव करनी है, उसको आप क्या करते हो छोटे छोटे कामों में तोड़ देते हो, ये छोटे छोटे काम होते हैं ना जिनको आप अच्छे से मॉनिटर भी कर सकते हो, और साथ में पूरे बड़े काम को हम लोग समझ जाते हैं कि नहीं पहले ये और ये काम पहले होंगे उसके बाद ये वाले काम हो सकते हैं, लेकिन ये सारे काम मिलकर के ही ये वाला काम हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं अलग अलग तरह के छोटे छोटे कामों में तोड़ देते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। प्राप्त कामों में रूपांतरण, कार्य शक्ति को समर्थ बनाना, कार्य शक्ति मतलब जो भी आपकी वर्कफोर्स है, ठीक है उसको आपको एम्पावर करना है ताकि इन कार्यों को पूरा किया जा सके, इन सभी को समझना तथा उपयुक्त तरीके से करना आवश्यक होता है, ये सारी चीजें भी आपकी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आ जाती है। अच्छा, आप समझिए क्या हुआ, विप्रो ने, जो विप्रो का हम लोगों ने उदाहरण देखा था, अपने आप को इस तरह से पुनर्गठित किया कि अन्य लक्ष्यों की अपेक्षा, बहुत सारे लक्ष्य होते हैं किसी भी कंपनी के, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने क्या बनाया, ग्राहकोन्मुखी, कस्टमर ओरिएंटेड होना उन्होंने अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया। तो पहले क्या थे, बहुत सारे लक्ष्य थे, अब उनमें एक लक्ष्य सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, तो उस लक्ष्य की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा हो गई कि आपको उस वजह से, उस हिसाब से अपने आप को रीस्ट्रक्चर करना पड़ा, पुनर्गठित करना पड़ा, ठीक है। होने को अधिक वरीयता दी जाए तथा उत्पादों में और भी विविधता देखने को मिले, उत्पादों में और विविधता देखने को मिले मतलब, और जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें और ज्यादा डिफरेंशिएशन भी लेकर के आओ, अलग अलग तरह के उत्पाद बनाओ, मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी चीज, आप कोई सर्विस दे रहे हो, फॉर एग्जांपल विप्रो का केस नहीं है, आप मोबाइल बना रहे थे, स्मार्टफोन बना रहे थे, अब स्मार्टफोन में भी आप अलग अलग तरह के स्मार्टफोन बनाओ ताकि जिस कस्टमर को थोड़ा अलग तरह का चीज भी चाहिए उसको भी आप ही सर्व कर पाओ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ही है, देख रहे हैं अभी हम लोग इसकी को, इसी में क्या हुआ, साथ ही प्रबंधन पदक्रम में भी संबंधों को इस प्रकार सुधार किया गया कि वे इन लक्ष्यों के अनुकूल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका समझ लीजिए, जो भी हमारा कोई भी कंपनी होती है ना उसमें क्या होता है, मैनेजमेंट होता है, और वो मैनेजमेंट क्या करता है ना, उनके बीच में आपस में एक हायरार्की होती है। प्रबंधन पदक्रम का मतलब क्या होता है, मैनेजेरियल हायरार्की, हायरार्की का मतलब क्या हुआ कि ऊपर बॉस कौन है, उसके अंडर कौन है, उसके अंडर कौन है, उसके अंडर कौन है, ठीक है, या फिर नीचे का बॉस कौन है, कोई नीचे है जिसको अधीनस्थ बोलते हैं, अधिकारी बोलते हैं, तो इनके बीच में भी आपस में जैसे ये बना हुआ है, ठीक है, कि कौन किसके अंदर आ रहा है, तो ये आपकी हो जाती है मैनेजरियल हायरार्की। तो इसको भी क्या किया गया, इस प्रकार से सुधार किया गया कि जो इनका मुख्य लक्ष्य बनकर के आया था कस्टमर ओरिएंटेड होने का, ठीक है, वो उसको वरीयता दी जाए, तो इसमें भी इन्होंने चेंजेस किए। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन में जो आप संसाधनों की बात कर रहे होते हो ना, तो वहां पर जो ऑलरेडी बने बनाए आपके स्टाफ है, चल रहा था,
उसको भी आप रीडिजाइन कर दे रहे हो कि कौन सा किसका किस तरह की रिलेशनशिप रहेगी, अधीनस्थ और अधिकारी रिलेशनशिप के टर्म्स की बात की जा रही है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको अकाउंटेबिलिटी बताएगा, कौन किस काम के लिए अकाउंटेबल है, इन सारी चीजों की बात की गई। ठीक है, तो साथ ही प्रबंधन पत्रक में भी संबंधों में इस प्रकार सुधार किया गया कि वे इन लक्ष्यों के अनुकूल, इन लक्ष्यों में जो भी लक्ष्य थे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, यही लक्ष्य था। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि कोई लक्ष्य उस हिसाब से आप संगठित कर रहे हो, और वो लक्ष्य कहां से आया, प्लानिंग से, जो हम लोग ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ था। ठीक, अच्छा, संगठित करना योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करने का यह एक सहायता है। तो संगठित करना मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि योजनाओं को, योजनाएं कहां से आई थी, नियोजन से, को कार्य रूप में परिणत करने का, आपको उसको बदलना है ना, जमीन पर लेकर के आना है, एक साधन है। ऑर्गेनाइजिंग इज अ मींस फॉर ट्रांसलेटिंग प्लान्स इनटू एक्शन, जो भी आपकी योजनाएं हैं वो काम में बदल पाए, उसको करने का एक तरीका, एक साधन है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक, अच्छा, हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लिया है, आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। पहला वीडियो है, आगे की वीडियोस और देखिएगा तो सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है, आपके लिए और भी वीडियो इस तरह के लाने की पूरी कोशिश रहेगी, जल्दी से जल्दी मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।